मैं सुचिता त्रिपाठी, एसोसिएट प्रोफेसर हिंदी विभाग, आर्य महिला पीजी कॉलेज, संबद्ध काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी। मेरा आज का विषय है हिंदी आलोचना का उद्भव एवं विकास। हिंदी समीक्षा या हिंदी आलोचना एमए हिंदी फोर्थ सेमेस्टर के पाठ्यक्रम में लगा हुआ है। इस पाठ्यक्रम का उद्देश्य विद्यार्थियों में शोध की क्षमता को विकसित करना है। आलोचना शब्द का साहित्यिक अर्थ होता है किसी कृति का सांगोपांग विवेचन करना ही आलोचना कहते हैं। आलोचना का इतिहास रीतिकाल से थोड़ा पहले शुरू हो जाता है। रीतिकाल का रीतिबद्ध साहित्य रीतिवादी आलोचना से प्रभावित था और लक्षण ग्रंथों के उदाहरण स्वरूप लिखा जाता था। लक्षण ग्रंथों का उपजीव्य संस्कृत का काव्यशास्त्र था। संस्कृत काव्यशास्त्र के चार संप्रदाय भामह एवं उद्भट का अलंकार संप्रदाय, वामन का रीति संप्रदाय, कुंतक का वक्रोक्ति संप्रदाय तथा आनंदवर्धन का ध्वनि संप्रदाय। इन्हीं चार संप्रदायों के आधार पर काव्यशास्त्री आलोचना की जाती थी। सर्वप्रथम काव्यशास्त्री के रूप में हम हिततरंगिणी के लेखक कृपाराम को ले सकते हैं, जिन्होंने 16वीं शताब्दी में थोड़ा बहुत रस निरूपण किया था, लेकिन आचार्य शुक्ल ने आचार्य केशवदास को सर्वप्रथम काव्यशास्त्री के रूप में माना है। और इस रीतिकालीन आलोचना और समीक्षा का विवेचन करते हुए वे लिखते हैं कि इस आचार्यत्व और कवित्व का एकीकरण का प्रभाव अच्छा नहीं हुआ। आचार्यत्व के लिए जिस सूक्ष्म विवेचन पर्यालोचन शक्ति की अपेक्षा की जाती थी, रीतिकालीन आचार्यों में इसका अभाव था। वे कविता में लक्षण दे करके अपने काव्यक्रम कर्म की इतिश्री समझ लेते थे। जिस पर्याप्त खंडन मंडन की आवश्यकता साहित्य के लिए होती है या समालोचना के लिए होती है, नए नए सिद्धांतों के प्रतिपादन की आवश्यकता होती है, वैसी दृष्टि इन लोगों को नहीं मिली थी। हम कह सकते हैं कि पर्याप्त खंडन मंडन और नए सिद्धांतों की स्थापना के लिए गद्य की आवश्यकता होती है। उस समय गद्य का विकास नहीं हुआ था, इसी कारण पर्याप्त खंडन मंडन और नए सिद्धांतों की स्थापना के लिए इसमें स्थान कम थे। उस समय की आलोचना गुणदोषों के कथन तक सीमित होकर के रह गई थी, जैसे सस्सैया के दोहरे जीवनाविक के तीर, देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर, या फिर सूर सूर तुलसी ससी उडगन केशवदास, अब के कवि खद्योत्सम जह तह करत प्रकाश। रीतिकालीन आलोचना के विषय में कहा जा सकता है जिस तरह से रीतिकालीन साहित्य दरबारों में कैद था, व्यापक लोक जीवन के संपर्क में नहीं था। कटु शब्दों में अगर इसकी आलोचना की जाए तो साहित्य में जिस संकीर्णता दिखलाई पड़ती है, वही संकीर्णता आलोचना के क्षेत्र में दिखलाई पड़ती है। व्यापक सामाजिक जीवन में न आने की वजह से कवि लोगों को वह विस्तार नहीं मिला साहित्य के लिए जिस व्यापकता और विस्तार की मांग की जाती है। आलोचना का उद्भव गद्य के विकास के साथ सर्वप्रथम भारतेंदु युग से माना जा सकता है। भारतेंदु युगीन साहित्यकार वह साहित्यकार ही नहीं थे, बल्कि अपने सामाजिक कर्तव्य बोध से पूरी तरह से ग्रसित थे। उन्होंने अनुभव किया कि अन्य सभ्य देशों का साहित्य उनके विचारों और कार्यप्रणाली के साथ जा रहा है, लेकिन अपने यहाँ का साहित्य अपने विचारों के साथ नहीं जा रहा है। शिक्षित और सभ्य समाज विकास में तो आगे बढ़ चुके थे, लेकिन अपने साहित्य को वे साथ नहीं ले जा सके थे। भारतेंदु युगीन साहित्यकारों ने सबसे पहले साहित्य को, जो संतों की कुटिया से निकल करके दरबारों में कैद हो गया था, दरबारीपन से उसको निकाल करके भक्ति की पवित्र गंगा में स्नान कराया, उसके बाद उसको व्यापक लोक जीवन में ला करके खड़ा किया। भारतेंदु युगीन साहित्यकार सिर्फ साहित्य के स्वतंत्रता के पक्षपाती नहीं थे, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक हर क्षेत्र में वे स्वतंत्रता चाहते थे। उस समय विभिन्न पत्र पत्रिकाओं का संपादन किया गया। कवि वचन सुधा, हिंदी प्रदीप, सार सुधा निधि, हरिश्चंद्र पत्रिका, हरिश्चंद्र मैगजीन, इन पत्र पत्रिकाओं में सामाजिक कुरीतियों
और अंधविश्वासों को दूर करने के लिए साहित्यकार निबंध और टिप्पणियां लिखा करते थे और पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से जन जीवन में व्याप्त कुरीतियों को दूर करने का सफल प्रयास किया करते थे। यह जो व्यापकता थी वह साहित्य और आलोचना के क्षेत्र में भी दिखलाई पड़ी। सबसे पहले भारतेंदु जी जो एक नाटककार थे और नाटक लिखते भी थे, उसका अभिनय भी करते थे, उन्होंने हिंदी नाटकों के कर्तव्य को निर्धारित करते हुए हिंदी नाटकों के लिए 5 भेद को उन्होंने आवश्यक माना, जिसमें हास्य, कौतुक, श्रृंगार, देश वसलता और समाज संस्कार। हास्य, कौतुक और श्रृंगार तो हम सभी जानते हैं, लेकिन यह समाज संस्कार और देश वसलता क्या था जिसमें भारतेंदु जोर दे रहे थे? वह ऐसे नाटकों का प्रणयन चाहते थे जिसमें व्यापक शिक्षा का प्रभाव हो, सामाजिक संस्कार हो, अंधविश्वास दूर हो सके और नाटक को देख करके या पढ़ करके जनजीवन में एक नई चेतना का विकास हो सके। वह ऐसे नाटकों का प्रणयन चाहते थे जिससे लोगों के मन में अपने देश के प्रति देश प्रेम की भावना भी जागृत हो। इसके लिए वह मानते थे यदि कोई ऐसा प्राचीन कथानक है जिसको पढ़ करके लोगों के मन में देश प्रेम की भावना जागृत हो सकती है, तो उस प्राचीन कथानक को भी आधार बना करके नाटकों का प्रणयन किया जा सकता है। और श्रव्य काव्य से ज़्यादा वे दृश्य काव्य को महत्व देते थे। उनका मानना था कि जो बातें सुन करके हमको ज़्यादा उद्वेलित नहीं कर सकती हैं, उनको देख करके मेरे मन में ज़्यादा चेतना और सामाजिकता जागृत हो सकती है। भारतेंदु का यह कथन एक नाटककार का कथन है, लेकिन इस नाटकीय रूपांतर में भी उनके आलोचकीय व्यक्तित्व का निदर्शन देखने को मिलता है। नाटक के लिए वह उपयोगी मानते हैं यथार्थ, अर्थात उस अलौकिक सत्ता को लेकर के, अलौकिक बातों को लेकर के वह नाटक को लिखना आज के इस आधुनिक परिवेश के लिए बहुत उपयुक्त नहीं मानते हैं, क्योंकि इस वैज्ञानिक विकास के साथ साथ जनमानस कार्य कारण संबंध खोजता है, इसलिए नाटकों में यथार्थ बोध को वह जरूरी समझते हैं कि जिसमें इस लोक की बातें हों, यथार्थ बोध हों जो आधुनिक मनुष्य के अनुकूल हैं। नाटक पे व्यापक चर्चा करने के लिए हम भारतेंदु को ही हिंदी का पहला आलोचक मान सकते हैं, लेकिन ये भी कह सकते हैं कि समग्र कृति के गुण दोषों की विवेचना या साहित्यिक आलोचक के रूप में भारतेंदु में सिर्फ आलोचकीय दृष्टि का विकास हो रहा था, आलोचना का समग्र विकास अभी भी अधूरा पड़ा हुआ था। साहित्यिक कृति के रूप में आलोचना का विकास भारतेंदु युग में सबसे पहले हम बालकृष्ण भट्ट और बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन को ले सकते हैं। 1858 में आनंद कादम्बिनी में बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन ने बंगला उपन्यास जिसका हिंदी अनुवाद गदाधर सिंह के द्वारा किया गया था, उसकी आलोचना उन्होंने की, उसके अंतरंग एवं बहिरंग बातों पर चर्चा की, उसकी सामाजिकता की बात की, उसके बाद उसमें देशकाल और वातावरण की बात की, उसमें जो एक ऐतिहासिक दृष्टि पे बंगला साहित्य का इतिहास लिखा गया था उसकी आलोचना करते हुए लिखते हैं कि यह नाटक के अध्याय में इतिहास जरूरी नहीं है, बल्कि भूमिका में यह पर्याप्त हो चुका है। नाटक के अंतिम परिच्छेद में जो सरला के विवाह के समय विमला की मृत्यु दिखा दी जाती है, इसकी आलोचना करते हुए लिखते हैं किसी सुख से भरे हुए माहौल में इस तरह से दुख को नाटक में दिखा देना उसी तरह से प्रतीत होता है जैसे मिश्री मिश्रित दुग्ध के प्याले में कोई नींबू निचोड़ दिया गया हो। इस दुखांत स्थिति को वह नाटक में पसंद नहीं करते हैं। उसका एक और भी कारण था कि तब तक हमारे समाज में दुखांत साहित्य पढ़ने या दुखांत नाटक को देखने की परंपरा का विकास नहीं हुआ था। बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन लाला श्रीनिवास दास के नाटक संयोगिता स्वयंवर की आलोचना आनंद कादम्बिनी में करते हुए लिखते हैं कि यह नाटक संयोगिता स्वयंवर जो लाला श्रीनिवास दास के द्वारा लिखा गया है,
कुछ आलोचकों ने इसकी आवश्यकता से अधिक प्रशंसा कर दी है और ऐसा प्रतीत होता है कि नाटक की आलोचना करने से पहले इस समालोचकों के समालोचना की समालोचना जरूरी है, क्योंकि किसी भी कृति की आलोचना उसके गुण और दोषों पर निर्भर करती है, सिर्फ उसकी प्रशंसा ही नहीं की जाती है। लाला श्रीनिवास दास के नाटक संयोगिता स्वयंवर की आलोचना हिंदी प्रदीप में बालकृष्ण भट्ट द्वारा की जाती है और वे लिखते हैं कि किसी भी नाटक की ऐतिहासिकता सिर्फ नाटक के घटनाक्रम के आधार पर नहीं हो सकती है, अर्थात किसी ऐतिहासिक घटना को लेकर के लिखे गए नाटक को हम ऐतिहासिक नाटक नहीं मान सकते हैं, या फिर किसी राजा रानी के कथा प्रसंगों को लेकर के जो नाटक लिखा गया है उसी के आधार पर हम इस नाटक को ऐतिहासिक नाटक नहीं मान सकते हैं। उस समय का समाज कैसा था, उस समय के सामाजिक संस्कार थे, उनकी अभिरुचियाँ क्या थीं, लोगों की भावनाएँ क्या थी, स्पिरिट ऑफ द टाइम क्या थे, इस बातों पे ध्यान दिए बगैर किसी भी नाटक को ऐतिहासिक नाटक नहीं माना जा सकता है। और पात्रों के मुख से जो लाला जी ने कहलवा दिया है, हमारी कंठाभरण, हमारी प्राण बल्लभा, इस तरह के वक्तव्य को सुनकर के बालकृष्ण भट्ट जी आरोप लगाते हैं कि इस तरह के वाक्य तो महाव्यभिचारिणी के मुख से भी नहीं निकलेंगे जो पात्रों के मुख से लाला जी कहलवा रहे हैं। इस तरह के वक्तव्य को सुनने का उस समय का समाज आदि नहीं था, इसीलिए नाटक में इस तरह के वक्तव्य को वह गर्हित समझते हैं, अर्थात इस तरह का वक्तव्य पात्रों के मुख से दिलवाना वे उचित नहीं मानते, क्योंकि उस समय के समाज को व्यापक संस्कार की आवश्यकता थी। हम ये नहीं कह सकते हैं कि संस्कार नैतिकता के आवरण में हो, लेकिन यहाँ पे भट्ट जी जो चाहते हैं वह एक साफ पाक नाटक का प्रणयन हिंदी समाज के लिए या अपने देश में समाज के लिए वे उपयुक्त मानते हैं। लेकिन समीक्षा के लिए जो स्पिरिट ऑफ द टाइम था, इस तरह की समीक्षा करना या कहना भट्ट जी के वक्तव्य में समीक्षा का यह आधुनिकीकरण था जो भट्ट जी के द्वारा किया जा रहा था। बालकृष्ण भट्ट ने गोल्ड स्मिथ की कृति हर्मिट की आलोचना हिंदी प्रदीप में की, जिसका हिंदी अनुवाद श्रीधर पाठक के द्वारा किया गया था। श्रीधर पाठक की प्रशंसा करते हुए वे लिखते हैं कि यह अनुवाद प्रशंसनीय है, लेकिन पाश्चात्य कोई भी साहित्य हमारे मनोरंजन का कारण नहीं हो सकता है, हमारा दिशा निर्देश नहीं कर सकता है। अंग्रेजी भाषा उन्नति के शिखर पर पहुंची हुई है, लेकिन उसके आधार पर हम ये नहीं कह सकते हैं कि वहाँ का साहित्य हमारे यहाँ के अनुकूल है, या फिर अपने यहाँ अपनी भाषा में लिखा गया जो साहित्य है पाश्चात्य साहित्य उसकी बराबरी नहीं कर सकता है। यहाँ पे भट्ट जी चूकते हुए नजर आ रहे हैं। भट्ट जी की समीक्षा में अगर विसंगतियाँ हैं तो ये है कि किसी भी देश की और किसी भी भाषा में लिखा गया साहित्य उस देश और परिवेश के लिए उसी तरह से मनोरंजक या उपयुक्त होता है जितना कि अपने देश में लिखा हुआ साहित्य। भारतेंदु आलोचना के विषय में निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में सामाजिक टिप्पणियाँ लिखी गई, निबंध और लेख लिखे गए, साहित्यिक कृतियों पर भी लेख लिखे गए, लेकिन वह उसमें भी आलोचना की दृष्टि का ही सूत्रपात हुआ, आलोचना की समग्र दृष्टि का विकास भारतेंदु युग में भी नहीं हो पाया। आलोचना का विकास हम द्विवेदी युगीन में देखते हैं। द्विवेदी युगीन साहित्य जो एक वरिष्ठ साहित्यकार थे, गंगा प्रसाद अग्निहोत्री, नागरी प्रचारी पत्रिका 1897 के अंक में उनका समालोचना नामक निबंध लिखा जाता है, जिसमें आलोचना के सूत्र हम देख सकते हैं। उसी पत्रिका में जगन्नाथ दास रत्नाकर ने समालोचना दर्श लिखा, उसने भी आलोचना के तत्व मुझे देखने को मिल जाते हैं। पत्रिका के अंतिम 53 पृष्ठों में गद्य काव्य मीमांसा लिखा गया अंबिका दत्त व्यास के द्वारा, जिसमें हमको आलोचना के सूत्र देखने को मिलते हैं। यह छोटे छोटे आलोचना के सूत्र जो पत्र पत्रिकाओं में मुझे मिलते हैं, भारतेंदु युग के आगे की कड़ी थी,
लेकिन आलोचना की समग्रता का स्वरूप इन भी इसी टिप्पणियों या लेखों में हमको देखने को नहीं मिलता है। 1901 की सरस्वती पत्रिका में महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कवि कर्तव्य का निर्धारण करते हुए लिखते हैं कि कवियों का कर्तव्य है कि जन की अभिरुचि के अनुसार सीधी साधी भाषा में उनके मनोकूल कविता का प्रणयन करें। नायिका भेद पे बहुत सारी चर्चा हो चुकी। नायिका भेद को बंद कर देने से साहित्य का कोई नुकसान नहीं होगा, बल्कि साहित्य का इससे लाभ ही होगा। अर्थात रीतिकालीन नायिका भेद को वह साहित्य के लिए उपयुक्त नहीं मानते हैं। हम यह जानते हैं कि यह नैतिकतावादी युग था और इसमें महावीर प्रसाद द्विवेदी श्रृंगार रस में भी सौम्य श्रृंगार को ज़्यादा महत्व देते थे। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कालिदास की भी समीक्षा की, कालिदास के भी रचनाओं के गुणदोषों का विवेचन किया और कालिदास की रचनाओं में जो दोष था उसका खुलकर के उन्होंने निदर्शन किया। उनका यह यथार्थ बोध था। इसके आधार पर हम यह नहीं कह सकते हैं, कालिदास के प्रति उनके मन में श्रद्धा का भाव जरूर था। अपने यहाँ खंडन मंडन और समालोचना की परंपरा कुमारी भट्ट और शंकराचार्य से चली आ रही है। किसी के दोषों का निदर्शन करना, इसके आधार पर हम यह नहीं कह सकते हैं कि कवि कुलगुरु कालिदास या अन्य महान कवियों के प्रति समालोचकों के मन में श्रद्धा का भाव न हो। कवियों के कर्तव्य के विषय में एक और कड़ी जोड़ते हुए सरस्वती पत्रिका में वे लिखते हैं कि कवि का कर्तव्य इतना महान होता है कि यदि वह संवेदना से युक्त कवि है तो अन्य किसी व्यक्ति जो शोकाकुल नहीं है वह किसी पुत्र शोक में व्यथित माता पिता के शोक को देख करके उस दुख की अनुभूति नहीं करेगा, लेकिन यदि कवि है तो माता और पिता के आत्मा में प्रवेश करके उसी तरह के शोक की अनुभूति करके वह कविता में या साहित्य में उस तरह की भावों की अभिव्यक्ति कर सकता है। कवियों का कर्तव्य निर्धारित करते हुए वे लिखते हैं कि समाज के लिए, इस देश के लिए कवियों का कर्तव्य महान है। ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि कविता पढ़ करके क्या होगा। यदि अच्छी कविता लिखी जाती है तो कविता से संसार में बड़े से बड़ा काम हुआ है। द्विवेदी युगीन इस तरह की समीक्षा, कवियों की दृष्टि, कवियों का कर्तव्य निर्धारण करना, सौम्य श्रृंगार की बात करना, द्विवेदी युगीन नैतिकता को ही स्पष्ट करता है। द्विवेदी युग के अगले समीक्षक के रूप में हम मिश्र बंधुओं को ले सकते हैं। मिश्र बंधुओं ने नवरत्न नामक आलोचनात्मक ग्रंथ लिखा। इस नवरत्न में उन्होंने 10 कवियों को लिया, लेकिन नवरत्न इसलिए नाम दिया क्योंकि भूषण और मतिराम को मिलाकर के त्रिपाठी बंधु नाम उन्होंने दे दिया था। इसमें उन्होंने मतिराम और भूषण के दोहों की जब वो तुलना करते हैं तो मतिराम के 10 दोहे भूषण पे भारी पड़ते हैं, लेकिन भूषण के अन्य दोहों को जब वो देखते हैं तो मतिराम की रचना पे उनकी अन्य दोहे भारी पड़ते हैं। इस तरह से उन्होंने भूषण को बिहारी से, बिहारी को केशव से, केशव को देव से मिलाकर के तुलनात्मक विवेचना का रूप हमारे सामने प्रस्तुत किया। इन नवरत्न कवियों में उन्होंने महाकवि सूरदास, तुलसीदास, देव, बिहारी, केशव, मतिराम, भूषण, चंदवरदाई और भारतेंदु हरिश्चंद्र को लिया। यह तुलनात्मक विवेचन का आधार जो मिश्र बंधुओं ने हमारे सामने प्रस्तुत किया, उनका महत्व आलोचना के क्षेत्र में एक कड़ी और आगे बढ़ा देता है। रामचंद्र शुक्ल इस नौ रत्न ग्रंथ की आलोचना करते हुए लिखते हैं कि इसमें कवि वृत्तिकार अधिक हैं, आलोचक का दायित्व कम है। उन्होंने कवियों की प्रशंसा ही की है। जैसे उदाहरण के लिए सूरदास की बाल लीला का चित्रण करते हुए वे लिखते हैं कि सूरदास की बाल लीला पढ़ करके ऐसा प्रतीत होता है कि मानो सामने ही कोई बच्चा अपनी माता की गोदी में खेल रहा हो। नवरत्न ग्रंथ कवियों के लिए प्रशंसात्मक ग्रंथ था, कवि वृत्तिकार ही अधिक था, लेकिन इससे जो तुलनात्मक आलोचना का आधार आलोचना जगत में मिश्र बंधुओं के द्वारा रखा गया, इससे उनका महत्व कम नहीं आका जा सकता है।
अगले द्विवेदी युगीन साहित्य में आलोचक के रूप में हम कृष्ण बिहारी मिश्र का नाम ले सकते हैं। कृष्ण बिहारी मिश्र ने भाव विभाव अनुभव का व्यापक स्वरूप, व्यापक व्याख्या आलोचना के क्षेत्र में उन्होंने प्रस्तुत की है, और इस आधार पे उनको कहा जा सकता है कि वे अन्य रसों का भी व्यापक और विस्तृत विवेचन कर सकते थे, लेकिन उनको श्रृंगार को रसराज बनाना था, इसलिए उस क्षेत्र में वे आगे बढ़ चले। श्रृंगार के विषय में उन्होंने लिखा है कि सृष्टि में स्त्री और पुरुष का प्रेम इतना गूढ़ है कि सृष्टि पर्यंत वह कभी समाप्त होने वाला नहीं है। अर्थात नायक और नायिका को लेकर के जो कविता की गई है या जो साहित्य रचा गया है, साहित्य जगत में प्रशंसनीय है। श्रृंगार रस के लिए उन्होंने स्वकीय और परकीय नायिका का चित्र खींचने के लिए एक समान स्वतंत्रता दी है। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि श्रृंगार रस के मामले में वह द्विवेदी जी की तरह सिर्फ सौम्य श्रृंगार के पक्षधर नहीं थे। यहाँ पे वे द्विवेदी जी का नाम तो नहीं लेते हैं, लेकिन कहीं न कहीं से श्रृंगार रस के मामले में द्विवेदी युगीन नैतिकता का वे विरोध करते हुए प्रतीत होते हैं और कहते हैं कि नैतिक आवरण के बंधन से कविता का लालित्य भंग होता है, इसलिए कविता में लालित्य को बना रखने के लिए किसी तरह के नैतिकता के बंधन की आवश्यकता वे नहीं मानते हैं। अन्य आलोचकों में हम पद्म सिंह शर्मा आचार्य को भी ले सकते हैं। इसी तरह से द्विवेदी युगीन जितने भी आलोचक थे, भारतेंदु युगीन आलोचना की दृष्टि को उन्होंने विकसित जरूर किया, लेकिन किसी साहित्य का सांगोपांग विवेचन, जो आलोचना की मांग होती है, इस युग में भी बहुत उत्कृष्ट रूप से विकसित नहीं हो पाया। आलोचना का विकास जब हम शुक्ल युग में देखते हैं, जो गद्य का तृतीय उत्थान माना जाता है, यहाँ पे एक पुस्तक के आधार पर दूसरी पुस्तक लिखने की परंपरा का विकास शुक्ल युग से होता है। शुक्ल जी ने गद्य के द्वितीय उत्थान के विषय में कहा है कि गद्य का द्वितीय उत्थान, इसमें जितने भी आलोचक रहे हैं, उन्होंने कविता के सिर्फ बहिरंग बातों पर ही चर्चा की है, उनके गुण दोषों की ही विवेचना की है। आलोचना कवि के जिस अंतःवृत्ति का मांग करता है, उसकी समग्र विवेचना गद्य के द्वितीय उत्थान अर्थात द्विवेदी युग तक नहीं हो पाई है। शुक्ल जी का जो अंतःवृत्ति का विवेचन था, कवि के अंतःवृत्ति की वह मांग करते हैं, उसका निष्कर्ष या अर्थ यह लिया जा सकता है कि शुक्ल जी ऐसा चाहते हैं, साहित्यकार यदि साहित्य की रचना कर रहा है तो कौन सी ऐसी परिवेश और परिस्थितियां हैं जिससे वह प्रभावित हो रहा है, कौन सी ऐसी मनोवृत्ति है जहाँ पे जाकर के टिक जाती है, या समाज के लिए वह कौन सा दिशा निर्देश देना चाह रहा है। तो कवि की अंतःवृत्ति का सूक्ष्म विवेचन यह शुक्ल जी की आलोचना से शुरू होता है। उन्होंने स्वयं अपना नाम नहीं लिया है, बल्कि इसके लिए उन्होंने उत्तम पुरुष का प्रयोग किया है। शुक्ल जी ने जायसी, सूर और तुलसी की विस्तृत समीक्षा की है। इसमें तुलसीदास एक बड़े ग्रंथ के रूप में हमारे सामने आता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो आलोचना का व्यापक रूप होता है, वह शुक्ल युग से मुझे मिलता है, और हम यह मान सकते हैं या सोचने के लिए बाध्य हो सकते हैं कि इतना बड़ा आलोचक, जो आलोचक बनने की कितनी बड़ी तैयारी कर रहा था। हिंदी भाषा के अलावा उन्होंने अन्य भी हिंदीयेतर बहुत सारे ग्रंथों को पढ़ रखा था, और शुक्ल जी 14 वर्ष की अवस्था में एडिसन की पुस्तक एसे ऑन इमेजिनेशन का हिंदी अनुवाद कल्पना के आनंद से करते हैं। ऐसे बहुत सारी भाषाओं का उन्होंने हिंदी अनुवाद किया। शुक्ल जी की समीक्षा के लिए उनके विचारों की बात करें तो उनके विचारों का निर्माण करने में जर्मनी के हैकल की पुस्तक रिडिल ऑफ द यूनिवर्स का बहुत बड़ा हाथ है। रिडिल ऑफ द यूनिवर्स आदिभौतिक जगत का ग्रंथ है, और रिडिल ऑफ द यूनिवर्स जब छपी तो जर्मनी में 2 महीने में अकेले इसकी 9,000 प्रतियां बिक गई। रिडिल ऑफ द यूनिवर्स में
ईश्वर को नकारा गया था और इस लोक की व्याख्या की गई थी, क्योंकि रिडिल ऑफ द यूनिवर्स के विरोध में पादरियों की गाली से भरी हुई पुस्तकें प्रकाश में आईं। इसके आधार पर हम ये नहीं कह सकते हैं कि शुक्ल जी नास्तिक थे। शुक्ल जी के विचारों का निर्माण रिडिल ऑफ द यूनिवर्स जरूर करता है, वह भी साहित्य के लिए, क्योंकि साहित्य की व्याख्या वह इस जीवन जगत को जोड़ करके करना चाहते थे। जिस साहित्य में इस जगत की व्याख्या हो उसको वह समाज के लिए उपयोगी मानते थे, क्योंकि शुक्ल जी जैसा वैज्ञानिक आलोचक ये मानता था कि आज विज्ञान के विकास के साथ साथ कोई ऐसा कारण जो कुछ भी हुआ हम ईश्वरीय सत्ता को मान करके संतोष नहीं कर सकते हैं, बल्कि हर चीज का निष्कर्ष इस आधुनिक समाज के लिए जरूरी था। इसलिए शुक्ल जी वैज्ञानिक आलोचना के साथ साथ साहित्य में इस लोक का जनजीवन पसंद करते थे। हम क्या ये मान सकते हैं कि आलोचना के लिए जिस तटस्थता की मान की जाती है शुक्ल जी ने वह तटस्थता का निर्वहन किया है? इसके विषय में हम इतना ही कह सकते हैं कि शुक्ल जी हों या अन्य विश्वविद्यालयी आलोचक हैं, वह इसी जीव जगत के प्राणी होते हैं, कहीं न कहीं से हमारे विचार या हमारे भाव इसी जीव जगत से बनते हैं। हम जिस समाज में रहते हैं, जिस परिवेश में रहते हैं, वहाँ का परिवेश मेरे विचारों का निर्मित करता है। इसलिए मैं अपनी बात कहूँ तो निष्कर्षतः यही कह सकते हैं कि आज तक आलोचना के जगत में तटस्थता का निर्वहन बहुत ही कठिन कार्य है, लेकिन कहीं न कहीं से शुक्ल जी जैसा वैज्ञानिक आलोचक निश्चित रूप से तटस्थता का निर्वहन करने में सफल हो सका है। धन्यवाद।